हिमाचल प्रदेश में 108 व 102 एम्बुलेंस के पहिए थम सकते हैं। 108 व 102 एम्बुलेंस यूनियन हड़ताल पर जा सकती है। यूनियन का कहना है कि सरकार से न्यूनतम वेतन को लेकर कई बार मांग उठाई है, लेकिन इसे अनसुना किया गया है। अगर 24 घंटे के अंदर उनकी मांग पर गौर नहीं किया जाता है तो वे मजबूरन 24 घंटे की हड़ताल पर जाएंगे। 108 व 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष पूरन चंद ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार में भी अपनी मांगों को लेकर यूनियन ने हड़ताल की थी, जिसके बाद कंपनी को हटा दिया गया। वर्तमान में कंपनी न्यूनतम वेतन देने के लिए फार्म 5 मांग रही है, लेकिन सरकार इसे नहीं दे रही है, जिससे कर्मचारी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। क्या कहना है 108 व 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष पूरन चंद का, सुने विस्तार से। हमारा पिछले काफ़ी समय से ये जो मुद्दा चलता आ रहा है मिनिमम वेज का, वो हम बार बार से पहले कोर्ट में गए, उच्च न्यायालय ने आदेश दिए कि 15,000 रुपया जो है इनको मिलना चाहिए तुरंत, तो वो जो है वो 15,000 भी नहीं मिला। उसके बाद कंपनी को हटा दिया गया, नई कंपनी आई और नई कंपनी जो है अपने लिए जो है जो एग्रीमेंट बना है उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं ली गई है जो कि कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किए गए थे, उस एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिया गया है। और कंपनी जो है फॉर्म 5 मांग रही है कि फॉर्म 5 इशू करें ताकि हम जो है कर्मचारियों के लिए जो अपने जो कर्मचारी है उनके लिए जो है मिनिमम वेज दे सके। तो सरकार जो है वो अभी तक जो है फॉर्म 5 इशू नहीं कर रही है, और जिसके कारण जो है हमारे कर्मचारी जो है परेशान है। और हमारी जो रणनीति है, अगर हमने अपना डिमांड नोट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है और स्वास्थ्य मंत्री जी को दिया है, हमने अगला जो हमारा टारगेट है, अगला हमारा ये है कि अगर हमारी बात 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी नहीं होती है तो हम इस विषय को उठाएंगे और उपायुक्त महोदय के माध्यम से जो है हम ज्ञापन देंगे, और हमें मजबूरन जो है 24 घंटे की हड़ताल पे जाना पड़ेगा। जी, कोर्ट के द्वारा जो मिनिमम वेज फिक्स किया गया है वो 17,235 रुपया जो है वो दिया गया है, और जो हमें मिल रहा है वो 13,500 के करीब जो मिल रहा है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।